दोस्तों, एक जमाना था जब हम अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर पाकिस्तानी ड्रामों को एंजॉय किया करते थे, मगर अब ऐसा हरगिज नहीं है। आज अगर हम तन्हाई में बैठकर अचानक से कोई वाहियात सीन देख लेते हैं तो दिल ही दिल में अच्छी खासी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि हम अपने लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में तो ये मामूली सी बात है, लेकिन हमारा माशरा हरगिज इन चीजों की इजाजत नहीं देता। हमें अपनी इकदार में रहकर ड्रामों को प्रमोट करना चाहिए ताकि अकेले बैठकर एंजॉय करने की नौबत ही ना आए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम माजी के यादगार ड्रामों को भूल भाल कर बैठ जाएंगे जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ने उरूज देखा था। हरपल जियो का ये ड्रामा तेरे बिन वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हुआ, लेकिन इसमें काफी सारे सीन्स गैर मुनासिब थे। जैसे अब यही सीन देख लें जब वहाज अली यमुना जैदी को गोद में उठाकर लाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। अगर इस सीन को कट करके दिखाया जाता कि लड़की बेहोश थी और लड़का इज्जत बचाकर हिफाजत से ले आया है तो इसमें कुछ गलत नहीं था। इसके बगैर भी इस ड्रामे को व्यूज मिल रहे थे। गोद में उठाना तो आजकल इतनी आम सी बात बना दी गई है कि जैसे इसमें कोई इतनी बड़ी बात ना हो। हद है। हम टीवी का ये ड्रामा बादशाह बेगम भी अपने बोल्ड सीन्स में बाकी ड्रामों से काफी आगे था। शाह मुराद के कैरेक्टर को हवस का पुजारी दिखाया गया, हैरेसमेंट के सीन्स बार बार दिखाए गए, लेकिन एक सीन में तो ये किरदार अपनी भाभी के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और यूं देवर भाभी के तकद्दस को भी पामाल करते दिखाया गया। वैसे तो ये रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है, मगर इस तरह के सीन्स का नौजवानों पर बहुत खराब तासुर पड़ता है, इसलिए थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, है ना। हरपल जियो का ये ड्रामा दरार अपने बोल्ड सीन्स और कंट्रोवर्शियल स्टोरी की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया गया। शहीर और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान बेडरूम सीन्स भी दिखाए गए जिसमें शहीर के नाइट सूट को देखकर उसकी ऊंची हरकतों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सज्जल के साथ उसका नाजायज रिश्ता भी दिखाया गया। दोनों का बगैर निकाह के रिलेशन में रहना एक क्वेश्चन मार्क बन गया। यूनिक स्टोरी बनाने के चक्कर में राइटर ने इतनी बोल्ड स्टोरी लिख डाली कि ऑडियंस के लिए हजम करना मुश्किल हो गई थी। हरपल जियो के इस ड्रामे जानिसार में शायद ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि केमिस्ट्री हो तो ऐसी बोल्ड हो। ड्रामे के काफी सीन गैर मुनासिब थे, लेकिन ये सीन जिसमें नौशरवान दुआ के करीब आता है और जिस अंदाज से वो अपने होठों को खोलती है तो आप खुद सोचने के आगे क्या होना था। दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी की जोड़ी इन हरकतों के बगैर भी अच्छी लगती है और समझ में नहीं आता कि ऐसे बेडरूम सीन्स दिखाने की क्या तुक बनती है। बर्जक ड्रामे की शुरुआत ही बेहयाई से हुई और बेगैरती की हदूदें फलांगती हुई अपने उरूज पर पहुंच गई। गो के ये ड्रामा लोगों के सख्त रिएक्शन के बाद YouTube से हटा दिया गया है, लेकिन ये आगे आने वाले दूसरे ड्रामों को एक गलत राह दिखा गया है। ऊपर से डिटाई देखें कि फवाद खान और सनम सईद जैसे बड़े अदाकार ऐसे घटिया ड्रामे करते हुए फख्र महसूस करते हैं। रोना तो इस बात का है कि मर्दों के साथ साथ बच्चों को भी बहकाने की कोशिश की गई है। अगर आगे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाहियात ड्रामा आता है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।